नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। न्यायालय के पास अक्सर हम न्याय की गुहार लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस पर लोगों का असंतोष होता है। कुछ ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के रीवा के सिरमौर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम बेलवा सुरसरी सिंह के एक वरिष्ठ नागरिक ओम नारायण सिंह के साथ भी हुआ है। आपको बता दें कि व्यवहार न्यायालय सिरमौर के द्वारा किसी मामले में गवाह के तौर पर ओम नारायण सिंह जी को समन भेजा गया था, लेकिन समन की शब्दावली को लेकर के ओम नारायण सिंह जी ने आपत्ति जताई है और कहा है कि इस तरह से न्यायालयीन भाषा में तुरंत सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि यह भाषा अत्यंत ही आपत्तिजनक है। और इस समन के माध्यम से प्रेषित सूचना में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, वह बिल्कुल भी कहीं ना कहीं सम्मानजनक नहीं कहा जा सकता। और इसको लेकर के उन्होंने कड़ी आपत्ति जाहिर की है और साथ ही साथ कहा है कि न्यायालय को अपनी शब्दावली में प्रेषित प्रपत्रों में सुधार करने की आवश्यकता है। प्रेषित प्रपत्र में कुछ इस तरह की शब्दावली का उपयोग किया गया है कि इस तहरीर के जरिए तुम्हें इत्तला दी जाती है कि अगले महीने की 10 तारीख को दिन के 11 बजे नालिस मजकूर के बाबत तुम्हें कुछ हाल मालूम हो, उसके बाबत गवाही देने के लिए डैश डैश में इस अदालत के सामने हाजिर हो और सिवाय अदालत के इजाज़त के वहां से चले ना जाओ। और तुम्हें इस तहरीर के जरिए ताकीद दी जाती है कि तुम बिना किसी योग्य कारण के वक्त और जगह मजकूर कर हाजिर होने में गफलत करोगे या हाजिर होने से इनकार करोगे तो तुम्हें हाजिर होने पर मजबूर करने के लिए वारंट जारी किया जाएगा। इन्हीं कुछ शब्दों को लेकर के आपत्ति जताई गई है। आपको बता दें, भारत के न्यायालयों में कई बार न जाने किन किन कारणों की वजह से वकीलों के द्वारा पेशी को आगे बढ़ा दिया जाता है, लेकिन एक गवाह के लिए भेजित समन में इस प्रकार की शब्दावली कहीं ना कहीं सुधार योग्य कही जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं खबरदार न्यूज की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। आपको जो अदालत के बारे में इस तरीके से एक प्रपत्र मिला है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे पड़ोस में कुछ भी आम जनता के बीच में जी विवाद हुआ था जी, जिसमें मौके पर मैं पहुंच गया था। विवाद के समय में मेरे को कोर्ट से ये सम्मन आया है जी, गवाही के लिए जी। इसमें जो गवाही के लिए ये सम्मन आया है जी, इसमें जो है तो हमको जो है तो दुख है जी कि जो शासन पे बैठे हैं या न्यायालय में बैठे लोग हैं जी, ये हमारे जो जनता है, जनता जनार्दन के सेवक हैं जी। इन्होंने जो हमारे लिए ये शब्दों का प्रयोग किया, जो भाषा का प्रयोग किया है, ये अनिंदनीय जी, निंदनीय है जी, निंदनीय है जी। इस तरह की भाषा जो है तो आदमी एक अपने हरवाहे चरवाहे को भी नहीं बोला जाता। मैं गवाही में के लिए दे दिया, गवाही देने के लिए तैयार हो गया जी। इसका मतलब मैं क्या, मैं मुलजिम हो गया कि किस स्तर तक मेरे अनादर हो रहा है जी। कि ये जो भाषा का प्रयोग किया जा रहा है आज, ये मेरे साथ ही नहीं हो रहा है जी। ये न्यायालय द्वारा पूरे प्रदेश में जो है, पूरे देश में इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है जी, जिसको तुरंत इसमें बदलाव की आवश्यकता है। ये जो है तो न्यायालय में जो कि कर्मचारी बैठे हुए हैं जी, ये समाज की सेवा करने के लिए बैठे हुए हैं, और समाज ये जो जनता है ये मालिक हो है, और मालिक के लिए आप जो है तो इस तरह की असोनी से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तुम ऐसा कर लो, तुम्हें ऐसा किया जाएगा, तुम्हें दंडित किया जाएगा, ये भाषा एक चरवाहे को भी, एक मजदूर को भी आदमी नहीं बोल पाता है जी। इस तरह की भाषा का प्रयोग शासन न्यायालय द्वारा किया जा रहा है, जिसमें तुरंत बदलाव की मांग की जाती है जी। खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।